नमस्कार किशन भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे पावर स्टेयरिंग और ब्रेक पैडल का ख्याल कैसे रखें जिससे डीजल कम लगे। ट्रैक्टर में दो ब्रेक पैडल होते हैं, एक दाएं टायर वाला और एक बाएं टायर वाला। ये दोनों ब्रेक पैडल खेत में ट्रैक्टर को ज़्यादा जल्दी मोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। दाएं मोड़ने के लिए दायां पैडल और बाएं मोड़ने के लिए बायां पैडल। ध्यान रखिए, यदि आप रोड पर चल रहे हो तो दोनों ब्रेक पैडल को एक साथ ग्लेज कर ले, मतलब ब्रेक को बंद कर ले जिससे दोनों ब्रेक पैडल एक साथ काम करे। हो सकता है खेत में ज़्यादा ट्रैक्टर चलाने पर रोड पर ट्रैक्टर चलाते हैं और ब्रेक दबाने के बाद ट्रैक्टर एक तरफ जा रहा हो, उसे पुलिंग इफेक्ट कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए ब्रेक पैडल को बंद करके 4-5 बार दबाए, इससे पुलिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा और ट्रैक्टर सही चलने लगेगा और ब्रेक भी सही काम करने लगेंगे। ब्रेक की आगे बात करने से पहले, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। OIB ऑयल एमरेस्ट ब्रेक के बारे में बात करते हैं पहले। ये क्या होते हैं? ये तेल में डूबे हुए ब्रेक होते हैं। ये ब्रेक काफी कार्यशील और भरोसेमंद ब्रेक है और ये काफी लंबे समय तक चलते हैं। ऑयल ब्रेक में इस बात का जरूर ख्याल रखें कि इसमें ऑयल डालते समय कंपनी का ही ऑयल डाले, अलग अलग हाइड्रोलिक ट्रॉली नहीं जोड़नी चाहिए। और यदि आपका ट्रैक्टर ढलान पर चल रहा है तो इंजन बंद करके कभी ना चलाए इसको, इससे काफी नुकसान होता है ट्रैक्टर का। तो अब बात करते हैं पावर स्टेयरिंग के बारे में। पावर स्टेयरिंग हाइड्रोलिक पंप से सप्लाई किए हुए तेल से चलता है। स्टीयरिंग को पूरी तरह घुमाने पर वो सिस्टम प्रेशर में आता है जिससे सिस्टम पर लोड पड़ता है। ज़्यादा समय तक घुमाए रखना पावर स्टेयरिंग को तो इसका नुकसान हो सकता है। मिट्टी में बडलिंग वगैरह काम करने पर प्रेशर की रोड को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, अन्यथा मिट्टी जमकर स्टेयरिंग को खराब कर सकती है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पावर स्टेयरिंग को मोड़ना काफ़ी आसान होता है और पावर स्टेयरिंग ट्रैक्टर चलाने में भी काफ़ी मज़ा आता है, जिससे कई बार ज़रूरत न होने पर भी हम पूरा स्टेयरिंग मोड़ देते हैं। ऐसा करने से आगे के टायर ज़्यादा जल्दी घिस जाते हैं। यदि आपका सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग है तो एक टायर घिसने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।